नगर परिषद टोहाना में चुनाव प्रसार का दौर जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं टोहाना की मिर्च मंडी में। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है रमेश गोयल, जेजेपी और बीजेपी गठबंधन प्रत्याशी, इस वक्त चुनाव प्रसार में जुटे हुए हैं इस तपती गर्मी में जहां सूरज उफान पर है। आइए उन्हीं से जान लेते हैं कि इतनी ऊर्जा आप में कहां से आती है, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है, आप लोगों से डोर टू डोर जाकर अपील कर रहे हैं। ये ऊर्जा मैडम, जो लोगों का जो साथ मिल रहा है, जो उनका प्यार मिल रहा है, उन्हीं की ऊर्जा आ रही है। सब ने मेरे को ये विश्वास दिलाया है भाई, सारी वोटें आपको डालेंगे। और यही जो ऊर्जा है ना, यही यहाँ तक धूप में भी 45 डिग्री का ताप मैंने साथ लगे हुए साथी, ये भी मेरे साथी चलो घूम रहे हैं, मैं भी घूम रहा हूँ। यही ऊर्जा का ही नतीजा है कि हम डोर टू डोर कर रहे हैं और ये बच्चों का प्यार है। कैसा जनसमर्थन आपको मिल रहा है? बहुत ज़्यादा, बहुत बढ़िया। एक तरफा जीत है, एक तरफा जीत है आपको कहना है। मोंटू अरोड़ा भी हमारे साथ है जो इनके साथ चुनाव प्रसार में लगे हुए हैं। आइए उन्हीं से जान लेते हैं कि कैसा कुछ आपको जनसमर्थन मिल रहा है प्रचार प्रसार में। मैडम आपने देखा ही, अभी थोड़ी देर पहले मैं बाट बस्ती में वार्ड नंबर 1 में था, जनसमर्थन तो आप वहाँ पहले भी देख के भी आए हैं और मंडी में डोर टू डोर भी किया जा रहा है जी। मंडी से भी हमें भरपूर समर्थन मिल रहा है। मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ, ये भी माननीय कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली जो अपने विकास कार्य गति बढ़ाने के लिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ टोहानावासी उनका साथ दें और आने वाली 19 तारीख को चाबी के निशान पर रमेश गोयल जी को विजयी बनाएं। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ जेजेपी के नेता जो कि ऊर्जा से भरपूर यहाँ पर नजर आ रहे हैं और चुनाव प्रसार में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कैमरामैन पवन वर्मा के साथ में शिवानी हंस, A1 हरियाणा। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।